हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीट भर्ती 2019 के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ रही है बड़ी अपडेट। ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट से मुखातिब करवाने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई भर्तियों से संबंधित नई नई अपडेट्स के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के वार में पहुंचकर मिलते रहे दोस्तों, और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के लिए चलते हैं आपको आज की इस बड़ी और लेटेस्ट भर्ती से संबंधित अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से। हां तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉमर्स अभ्यर्थियों का तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का रास्ता साफ। तो दोस्तों, जिस प्रकार अनेक प्रतिभागियों की यहाँ पर मांग थी कि सर कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए कोई अपडेट हो तो रीट भर्ती को लेकर के तो उपलब्ध करवाइए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। तो आप सभी को इस अपडेट से मुखातिब करवाया जा रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ष 2017 के बाद पंचायती राज नियमों में हुए संशोधन के कारण कॉमर्स के अभ्यर्थियों की तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों पर नियुक्ति में आ रही थी कठिनाई। तो ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज की ओर। जोधपुर से न्यूज आ रही है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में न्यायाधीश अरुण भंसाली ने चित्तौड़गढ़ की याचिकाकर्ता प्रियंका मनेरिया की याचिका को स्वीकार कर कॉमर्स स्नातक अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए योग्य माना। साथ ही याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में मेरिट अनुसार नियुक्ति देने पर पद संबंधित सारे वित्तीय लाभ देने व विभाग द्वारा नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम को बरकरार रखने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह रणीसर ने पैरवी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कॉमर्स से स्नातक है, उसने बिजनेस इकोनॉमिक्स विषय स्नातक के 3 साल में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़े हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का समकक्ष है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, फिर आगे ले चलते हैं। याचिकाकर्ता ने 2017 में परीक्षा सामाजिक विज्ञान से पास कर 2018 में आए सामाजिक विज्ञान विषय में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय में आवेदन किया था। इसके बाद से उसे सत्यापन के लिए बुलाया गया, परंतु वहां से यह कहते हुए भर्ती प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया कि प्रार्थी ने स्नातक कॉमर्स सब्जेक्ट में किया है, जबकि आवेदन में सामाजिक विज्ञान विषय में किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉमर्स और सामाजिक विज्ञान के विषय में भिन्नता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आपको ले चलते हैं आगे न्यूज की ओर। सरकार की तरफ से महाअधिवक्ता के सहयोगी कैलाश चौधरी ने पक्ष रखकर यह दलील दी कि प्रार्थी ने अनिवार्य विषय रूप में बैंकिंग व बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातक की है, जबकि नियमानुसार सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही स्नातक मांगी गई थी, वह भी वैकल्पिक विषय के रूप में। साथ ही सरकार ने कॉमर्स को सामाजिक विज्ञान से भिन्न बता कॉमर्स अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान के पदों पर भर्ती के लिए अयोग्य माना। सरकार ने कहा कि पंचायती राज विभाग पंचायती राज नियम 1996 में हुए 2017 के संशोधन के अनुसार आवेदनकर्ता जिस विषय समूह से आवेदन कर रहा है उस विषय समूह के विषयों में से किसी एक विषय को स्नातक में ऐच्छिक विषय रूप में पढ़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कारण से प्रार्थी अध्यापक पद के लिए पात्र नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता कोर्ट में प्रार्थी की स्नातक की मार्कशीट व सिलेबस दिखाकर ये बताया कि प्रार्थी द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ने लायक सामाजिक विज्ञान का ज्ञान स्नातक में भलीभांति रूप से अर्जित किया है। तो आपको ले चलते हैं, अतः प्रार्थी नियमानुसार नियुक्ति के लिए पात्र है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर 1996 के कानून की गलत व्याख्या करने की विधि विरुद्ध माना। साथ ही यह स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत अनुपालन में तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए चाही गई योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करना को विधि विरुद्ध बताया है। वंचित करने को यहाँ पर विधि विरुद्ध बता दिया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 1996 के नियमों में कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए समानता रखी जाने वाली जब विज्ञान विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषयों की कई स्नातक को कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त माना है, तब कॉमर्स के विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक विज्ञान के विषय में की गई पढ़ाई को अध्यापक पद के लिए पात्रता से भिन्न रखना विधि सम्मत नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार अब यहाँ पर सभी कॉमर्स के प्रतिभागियों के लिए बड़ी खुशी की
खबर है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कॉमर्स के हजारों अभ्यर्थी होंगे लाभान्वित। इस फैसले से हजारों कॉमर्स अभ्यर्थियों का 2018 भर्ती श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ, जो सरकार द्वारा नियमों के दोषपूर्ण और विधि विरुद्ध व्याख्या करने में से भर्ती में शामिल किए जाने से वंचित रह गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। तो कॉमर्स वाले जो भी प्रतिभागी थे उनकी डिमांड थी कि सर इस संदर्भ में कोई अपडेट हो और उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जा सके, तो इस संदर्भ में कोई अपडेट हो तो उपलब्ध कराई। तो दोस्तों आप सभी को इसी संदर्भ में आज अपडेट उपलब्ध करवा दी गई है, जिस प्रकार बड़ी अपडेट सामने करके आई थी आप सभी को यहाँ पर मुखातिब करवा दी गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार आने वाली नई नई भर्ती से संबंधित नई नई अपडेट्स के नोटिफिकेशन, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुँच कर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएँ। और दोस्तों आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा और हमें हमारे वीडियोस में नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अपडेट पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक अपडेट पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सके। और दोस्तों आपको बता दें कि अब जो ये कॉमर्स अभ्यर्थी हो यहाँ पर पात्र घोषित किया गया है, तो ये अब इस रीट भर्ती के लिए नहीं, ये आगामी सभी रीट भर्तियों में अब ये नियम लागू होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं और सेकंड ग्रेड में भी ये अब नियम लागू होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही थी, तो आप सभी को मुखातिब करवा दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।